आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो। इनके लिए पहला कार्ड आ रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी है अपने सेवन ऑफ वांड्स की एनर्जी में कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन अच्छा नहीं है, या क्या चीजें आपके लिए सही है क्या चीजें आपके लिए सही नहीं है। ये बिलीफ सिस्टम भी हो सकता है, ये थॉट पैटर्न भी हो सकते हैं, ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये जॉब भी हो सकता है। एक तरीके से मैं कहूँ एक डिसर्नमेंट आई है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही या गलत के बीच, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। अब आपको ये समझ में आ गया है कि क्या सही क्या गलत है, क्योंकि आप अपने आप को समझ गए हैं, जिसकी वजह से आप एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी में टैपिंग करेंगे 2024 में, जो आपकी सक्सेस का बहुत बड़ा हिस्सा रहेगी। क्योंकि दी एंट्रेस की कार्ड जो आई है, ये एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी होती है, ये क्रिएटिविटी होती है, ये अबंडेंस होती है, ये जहाँ देखे वहाँ पे अबंडेंस होती है, ये जहाँ इसके पैर पड़ते हैं वहाँ पे क्रिएटिविटी, वहाँ पे आइडियाज, वहाँ पे नाम शोहरत सब कुछ होता है। तो आप ऐसी एनर्जी में फाइनेंसेस इतने सेटल्ड रहने वाले हैं, करियर इतना अच्छे से सेट होने वाला है कि आप ज़्यादा समय निकाल पाएंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ में समय बिताने के लिए। सो आई डू सी यू मूविंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर टू अ मोर पर्सनल फैमिली ईयर इन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुली बैलेंस्ड वे। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, समहाउ आपने ये हमेशा से इच्छा रखी थी, आपकी ये इच्छा अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर आप एक पेट को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे थे या पेट पेरेंट बनने के बारे में सोच रहे थे, आई डू सी दैट इज गेटिंग फुलफिल्ड फॉर यू इन द ईयर 2024। द रेमेडी फॉर यू इज गोइंग टू बी इज फीड द एनिमल किंगडम, स्पेशली डॉग्स। ऐसे तो हमें सभी जानवरों को खिलाना चाहिए, बट स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट फीडिंग डॉग्स पर से, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर एक्चुअली एनर्जाइजिंग एंड एम्पावरिंग द राहु, द यूरेनस इन योर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। एंड व्हेन राहु इज वेरी स्ट्रांग, यू टेंड टू बिकम मोर, टेंड टू टैप इनटू एन अनस्टॉपेबल एनर्जी, यू स्टार्ट क्रिएटिंग मोर अबंडेंस, यू स्टार्ट क्रिएटिंग मोर स्टेबिलिटी एंड फाउंडेशन। स्टेबिलिटी और फाउंडेशन सब चीज़ में ज़रूरी होती है, ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी होती है और आपके फाइनेंस।
जिनके लिए पहला कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये कार्ड बता रहा है दैट 2024 की एनर्जी में आप देखोगे कि आप काफी बोल्ड और काफी करेजियस हो रहे हो। यू आर टेकिंग बिगर रिस्क, यू आर टेकिंग मोर बोल्डर रिस्क, एंड समहाउ दैट स्ट्रेंथ इज कमिंग टू यू ऑन दी इनसाइड। एक बाहर से फिजिकली स्ट्रांग दिखना, स्ट्रेंथ होना इज नॉट द रियल स्ट्रेंथ। रियल स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर हार्ट। Why it comes from your heart? Because you've understood that the divine lives in your heart. The higher self is through your heart. मुझे ये भी लग रहा है कि आप एनिमल किंगडम की ओर काफी कंपैशनेट होते जा रहे हैं। और भी बढ़ सकती है ये एनर्जी 2024 में, which is very very good. Three of cups की एनर्जी है, so 2024 में आप काफी सोशलाइज करते हुए नजर आएंगे, काफी ऐसे प्रोजेक्ट में जुड़ते हुए नजर आएंगे जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल हो, ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर पाएंगे जहाँ पे कलेक्टिवली एक आइडिया हो एंड एवरीबॉडी इज पैशनेट अबाउट दैट वन आइडिया। नेटवर्किंग आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। सोशलाइज आप जितना करेंगे उतना आप अपने काम को एक्सपैंड कर पाएंगे, उतना आप नए नए तरीके के लोगों से मिल पाएंगे। आपका जो पर्सपेक्टिव है, दुनिया को देखने का नजरिया खुलेगा जब आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलेंगे। जस्टिस का कार्ड भी आ रहा है, सो लीगल मैटर्स से थोड़ा दूर रहना है। अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल के रखने हैं, वो गुम हो सकते हैं। अननेसेसरी पुलिस के मैटर्स से दूर रहे। अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है वहाँ पे जस्टिस विल बी डन, बट थोड़ा सा समय लगेगा। अब आपके लिए रेमेडी 2024 में ये है कि जितना हो सके ट्राई एंड वर्क विद रोज क्वार्ट्ज़, क्योंकि रोज क्वार्ट्ज़ एक क्रिस्टल है जो आपके हार्ट को हील करता है, जो आपके हार्ट को स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से यू नो यू स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड विद पीपल हु आर वाइब्रेटिंग एट अ हायर एनर्जी विच इज लव, विच इज जॉय, विच इज फ्रेंडशिप। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। के लिए पहला कार्ड आ रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। सो इमोशनली काफी बैलेंस एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी मच इन योर पावर, इन योर एलिमेंट। आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं, आप इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं। द हायरोफेंट का जो कार्ड है ये बता रहा है एक स्टेबिलिटी के बारे में, फाउंडेशन के बारे में। बहुत से लोग जो सिंगल हैं, आपकी शादी हो सकती है, अरेंज मैरिज जो है मुझे दिखाई दे रही है, स्पेशली इन योर ओन कम्युनिटी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाह रहे थे वो सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, जो डेट कर रहे थे, उनकी शादी भी हो सकती है। सिंगल्स के लिए बहुत अच्छा साल है। यू कुड बी एंटरिंग इन टू अ रिलेशनशिप विच इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। जो 2024 की ओवरऑल एनर्जी है वो काफी इमोशंस के साथ चलती है आगे, बट वो बैलेंस्ड इमोशंस है। वहाँ पे डिवाइन इंटेलिजेंस भी है, वहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस भी है, जिसकी वजह से आप बह नहीं जा रहे हो रिलेशनशिप में या यू नो लव की एनर्जी में, बट यू आर अंडर